हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया और आप देख रहे हैं प्रिया रेसिपी हिंदी। आज मैं आपके लिए चिकन बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ। बिरयानी बहुत सारे अलग अलग तरह से बनता है, हर एक स्टेट में अलग तरह से बनाया जाता है। मैं आज आपके लिए हैदराबाद स्टाइल में चिकन बिरयानी लेके आई हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें और मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं बहुत सिंपल हुए मैं आपको आज बिरयानी बनाना बताऊंगी, घर में जो चीज़ें अवेलेबल होता है वही चीज़ों से। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इस लाल वाले बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल प्रियास रेसिपी हिंदी को। पास में रहने वाला बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे चैनल में आने वाले वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिले। मैंने यहाँ पर जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज किया है उसका लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1/2 किलो चिकन, जिसको मैंने अच्छे से धो के क्लीन कर लिया है। मैंने यहाँ पर लिया है ये सारे पाउडर मसाला, जिसमें है 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 2 बड़े चम्मच बिरयानी मसाला पाउडर। बिरयानी मसाला मैंने घर में बनाया है। जो भी मैंने मसाला यूज किया है उसका लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो सारे मसाला ले लीजिए और उसको थोड़ा देर गर्म करके मिक्सी में अच्छे से पीस लीजिए। 2 चम्मच मैं यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं पहले बना के रखी थी। अब मैं यहाँ पर 1 मुट्ठी धनिया और पुदीना ऐड करूँगी, जिसको मैं धो के उसको बारीक बारीक काट के रखी थी। अब मैं इसमें फ्राई किया हुआ प्याज ऐड करूँगी। प्याज को पतला पतला काट के मैंने डीप फ्राई किया था। आधा मैं अभी ऐड करूँगी और आधा मैं बिरयानी में ऐड करूँगी। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम अच्छे से मिला लेंगे। आप यहाँ पर थोड़े बड़े पीसेस यूज करें। बड़े पीसेस यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे नीचे चिकन जाने वाला है, छोटे पीसेस होगा तो जल्दी वो जल सकता है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी दही। दही नॉर्मल वाला मैंने लिया है, खट्टा दही नहीं है। 1/2 कप मैंने यहाँ पर दही यूज किया है 1/2 किलो चिकन के लिए। आप कम ज्यादा कर सकते हैं। अब हाथ से हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। हाथ से घिसते हुए अच्छे से मिलाने से चिकन के अंदर तक सारे मसाले जाएगा। मैं इसको आज मैरिनेट कर रही हूँ, मुझे कल बिरयानी बनाना है। मैं अभी इसको शाम को मैरिनेट कर रही हूँ। पूरा रात हम इसे रखेंगे तो जो मसाले हैं वो चिकन के अंदर तक जाएगा और चिकन एकदम जूसी बनेगा। आप भी एक बार जरूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 चम्मच तेल। मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है, 1 चम्मच घी, आप कोई भी तेल ले सकते हैं। आप यहाँ पर 1 चम्मच नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको ढक के फ्रिज में रख देंगे। दूसरे दिन सुबह मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला। मैंने हांडी में पानी लिया है। मुझे यहाँ पर बिरयानी राइस बनाना है। मैं ये बिरयानी चावल है जिसको 1 घंटा पहले भिगा के रख दी थी। आप अच्छा क्वालिटी का चावल यूज करें तो बिरयानी का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। मैं यहाँ पर 3 बड़े चम्मच तेल ऐड की हूँ एक हांडी में, जहाँ पर हमें बिरयानी बनाना है, और मैंने जो चिकन मैरिनेट करके रखी थी उसको ऐड कर दी हूँ। जो भी गरम मसाला मैंने राइस में ऐड किया है वो सब सेम है जो हम बिरयानी मसाला बनाने के लिए यूज किए थे। तेजपत्ता, इलायची, दालचीनी, वही सब सेम है। पानी गर्म हो गया है तो मैं अभी इसमें ऐड कर रही हूँ राइस, जिसको मैं भीगने के लिए रखी थी। इसमें मैंने 1 चम्मच नमक भी ऐड किया है। राइस में नमक होना बहुत जरूरी है। अब मैं दूध में सैफ्रन ऐड करके रखी थी। अब इसमें मैं थोड़ा सा केवड़ा वाटर ऐड करूंगी। ये ऑप्शनल है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप ये ऐड ही करें, नहीं भी आप ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास ना हो तो। राइस को हमें 80% डन करना है। आप चेक कर लेंगे, अगर राइस ज़्यादा ओवर कुक हो जाए तो बिल्कुल भी अच्छा बिरयानी नहीं बनेगा। तो आप जब भी राइस बनाएं उसके पास एकदम कॉन्स्टेंट खड़े होकर बनाएं। अब हम धीरे धीरे राइस चिकन के ऊपर ऐड करेंगे। चिकन में से बहुत सारा पानी निकला है तो हमें और कोई भी पानी ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसी चिकन का पानी में राइस भी पकेगा और साथ में चिकन भी पकेगा। अब इसके ऊपर मैं 1 लेयर राइस का लगा दी हूँ। इसके ऊपर थोड़ा सा हम धनिया पुदीना कटा हुआ वो ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम प्याज ऐड करेंगे जो हम फ्राई करके रखे थे। थोड़ा सा केसर और दूध का जो मैं मिला के रखी थी वो भी ऐड करूँगी, और बिरयानी मसाला थोड़ा ऐड करेंगे। फिर इसके ऊपर 1 लेयर और राइस का डाल देंगे। अब इसके ऊपर सेम प्रोसेस फिर से रिपीट करेंगे। जो सारे चीज हम नीचे ऐड किए वही फिर से हम ऊपर ऐड करेंगे।
अब इसको आप आटे से सील करके भी कवर कर सकते हैं या फिर नॉर्मल लीड लगा के उसके ऊपर कोई भारी चीज रख के भी इसको कवर कर सकते हैं। अब ये रेडी हो गया है, इसको हम दम में बिठाएंगे 15 से 20 मिनट के लिए। एकदम गैस का फ्लेम स्लो रहेगा, नहीं तो चिकन नीचे से जल जाएगा। नीचे एक तवा रख देंगे, उसके ऊपर ये हांडी रखेंगे, इसके ऊपर कोई एक भारी चीज रख देंगे। बिरयानी रेडी हो चुका है, मैंने यहाँ पर टोटल इसको 20 मिनट दम में रखी थी। राइस जितना बाकी था बनना वो हो गया है, देखिए कितना खिला खिला सा बना है, बिल्कुल भी नहीं चिपका है। चिकन भी बहुत अच्छे से पक गया है, अब इसको हम सर्व कर लेंगे। अब हमारा बिरयानी एकदम से रेडी हो गया है, देखा ना कितना आसान था, बहुत आसान तरीके से हमने इसे बनाया। बस आप मैरिनेट करके रख दीजिए, चिकन बनाइए, राइस बनाइए और दोनों को मिला लीजिए, आपका डिलीशियस बिरयानी रेडी हो जाएगा। तो आप भी इस रेसिपी को घर में ट्राई कीजिए, आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स को बना के जरूर खिलाइए। और रेसिपी अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। हमारे साथ कनेक्टेड रहिए ऐसे और भी रेसिपीज देखने के लिए। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको चिकन बिरयानी की रेसिपी कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी बहुत जल्दी नया रेसिपी के साथ। बाय।